क्या मामला था? ये लड़के का मामला ये था कि लड़के हम गांव में शादी किए जी, शादी किए के बाद में उन्होंने रईस ने जो है उस ससुराल से उसको भी बदमाश करके छुड़वा दिया जी। फैसला दिलवाने के बाद में बोला कि तुम्हारा दहेज दिलवा देंगे जी। जब दहेज भी नहीं दिया, सामान वगैरह मतलब चीज भी नहीं दिया, वही के बाद में हमारे लड़के का परेशान कर रहे हैं। एक साल हो गई है, हमका इतना परेशान है, हमारे आदमी भी नहीं है, सौहार भी नहीं है, हम कैसे क्या करें? छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इससे छोटे हैं, एक बड़ी लड़की है और उसको भी परेशान कर रहे हैं। अब बताओ भैया, हम ऐसे कैसे जीवे या हम क्या करबे? कौन परेशान कर रहा है? रईस। हाँ, सेखन गांव रईस माँ बेटी को भी परेशान कर, कहा मार डालूंगा। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मतलब लड़की की शादी हमारे साथ करो, हम शादी नहीं कर देंगे, किसी भी जगह शादी नहीं कर देंगे। क्यों नहीं करोगे उनके साथ? क्या मामला तो उनके साथ, उनकी उम्र 65-60 साल की उम्र उनका है और 23-24 साल की उम्र हमारे लड़की का है, तो उससे हम ऐसे शादी कैसे कर दिया भाई? तो जबरन से करवाना चाह रहे हैं? जबरन करवाना चाहते हैं। तो अब साहब भैया, अब हमसे यही पूछो कि हम कैसे इन लड़के का गुजारा? अगर मान लो पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत किया। अगर हाँ, आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे? कुछ नहीं मिला। अब बाद में अगर हम ना हमारे को सुने तो हम जान दे दिया भाई, हम रह नहीं सके, कौन हिसाब से जीवे? हमारा आदमी भी नहीं ना मरे, क्यों नहीं ना? ये क्या आगे भैया बताओ, हम क्या कर भाई? एक लोग आता है रईस नाम का जी, वो हमको उठा लेगा। एक लोग साथ में थे, रुमाल मुंह में बांध रखे थे, हमको मालूम नहीं था वो कौन है। 4-5 दिन हमको गायब किया, हमारे साथ उल्टा सीधा बलात्कार ही किया, बोला सीने पर रख दिया बंदूक और गले पे चाकू रख दिया, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार के फेंक देंगे इसी में, अगर ज्यादा बोलोगे तुम्हारे घर वाले को मार डालेंगे। ऐसा बोलते रहे, हम अपना रो रो कि कहीं किसी तरह रहे। मेरी माँ ने पाई हमको, मेरी माँ ने रोती हुई आई, प्रधान लोग समझौता करा दिया, बड़े बड़े मिल लोग मिलके अब कुछ नहीं होगा। वहाँ के प्रधान ने समझौता कराया? वहाँ के प्रधान नहीं, जयपुर के। अच्छा, उन्होंने समझौता करा दिया? उन्होंने समझौता करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने आया हमारे घर पे, कुछ नहीं बोला, बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, हाथ पैर जोड़ लिया, जोड़ने के बाद चला गया। फिर एक साल से फिर ऐसे परेशान कर रहा है हमको। अच्छा। मेरी माँ को परेशान कर रहा है, मेरी बहन उसको परेशान कर रहा है, मार रहा है घर के अंदर आके, घुस के मार रहा है, किसी को बाहर नहीं। कब मारा है तुमको? हमको अभी परसों मारा, हमारी माँ को मारा दिन बुधवार, चौकी में हमने दिया एप्लीकेशन, हमारी सुनी नहीं गई। 112 बुलाया, उसने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, जाइए आप, हमारा कोई सुनता नहीं, हम क्या करें बताएं? मम्मा बेटी है, मेरा फैसला हो चुका है दहेज के लिए, क्यों तुम्हारी माँ ने दहेज नहीं दिया? मेरे पापा खत्म हो चुके हैं, अब बताओ भाई हम क्या करें बताओ? हमारी एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको लेके क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ नहीं करोगे, हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो हम मार डालेंगे। क्यों, वो शादी के लिए तुमको दबाव बना रहा है क्या? उसने हमारे लिए दबाव बना रहा है, उसने 55-65 साल का ना है, मेरे को बोल, मेरा 23-24 साल उम्र है भाई, वो बोल रहा है कि मैं मेरे साथ शादी करो, नहीं तुमको लेके जाएंगे, नहीं तुमको तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे, माल जाल से मार देंगे, ऐसा ऐसा हमारे साथ में कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, काली बाहर एक रोज हमने निकला बुध के दिन, तो उसने हमको मारा था, रेप हमारी माँ को मारा, सीने पर लात दे लिया, तुमको मार डालेंगे तो हम क्या करें भाई? मेरी माँ नहीं रहेगी तो और क्या करेंगे? पापा ने तो खत्म हो गया, मामा ने नहीं रहेंगे हमारे, और कोई नहीं है तो क्या करेंगे? अकेले घर में कोई साथ मेरा नहीं देता, सब लोग उसी का साथ देता है, वो बड़वार में नहीं जाकर पैसा भर देता है, बोलता मैं पैसा दे दूंगा, मेरा सुनने वाला सब लोग है, तुम्हारा कौन है? अगर कोई ज्यादा बोल देंगे तो मार देंगे, हमारी छोटी बच्ची, हम क्या करें? उसको तक बाहर नहीं निकलने देते हम, हमारे ससुराल वाले से उसने बोला कि बदमाश लड़की, अपना ही ऐसा काम हमारे साथ किया, उल्टा सीधा बलात्कार किया है।